नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रवीण और आप देख रहे हैं पाविका फ्लिटसी चैनल को एक बार फिर से। तो आज मैं लेकर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक अगेन फ्रॉम द 11th केमिस्ट्री सीबीएसई बोर्ड, जो पहला चैप्टर हमारा सम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का, यानी कि एक टॉपिक दैट इज योर लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, यानी कि कौन कौन से लॉ का यूज करके या प्रिंसिपल्स का यूज करके दो कोई भी केमिकल कंबाइन होते हैं या दो से ज्यादा भी केमिकल कंबाइन हो सकते हैं। तो कुछ लॉज हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो आज जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, वैसे काफी सारे लॉज हैं जैसे मैं कुछ गिना देता हूं, लॉ ऑफ गे लुसेक्स, ओके, देन लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, देन एवोगाड्रो लॉ है। तो ये काफी लॉज हैं बट वन बाय वन हम डिस्कस करने वाले। तो आज जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि आप देख ही रहे हैं अंडर द हेडिंग लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, दिस इज द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, जो दिया गया था डाल्टन के द्वारा 1803 में। बट आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आपसे बहुत बड़े से रिक्वेस्ट कि आप मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर करना भूलिएगा, तक मैं ऐसी एजुकेशन वीडियोस आपके लिए हमेशा हर बार लेके आता रहूं। एक चीज जरूर सोच रहे होंगे कि फिलहाल तो ये जो चैनल है इंजीनियरिंग है, बट रिसेंटली हमने काफी सारे सब्जेक्ट्स लॉन्च किए हैं जिसमें 11th केमिस्ट्री सीबीएसई बोर्ड भी शामिल है, और ये 11th से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। साथ में आप देख रहे होंगे कि इंजीनियरिंग के मैकेनिकल इंजीनियरिंग, केमिकल, सिविल के काफी सारे आपको सब्जेक्ट्स मिलेंगे, लाइक रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग, हीट ट्रांसफर हो गया, देन योर फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया। पूरा चैनल फ्लूइड मैकेनिक्स पे फोकस्ड है और फ्लूइड मशीन्स पे। तो आपके कोई भी फ्रेंड्स होंगे, ठीक है, कलीग्स होंगे जिनको आप सजेस्ट करना चाहेंगे तो प्लीज सजेस्ट कीजिएगा मेरे चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बट आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज आपसे बहुत बड़ी रिक्वेस्ट कि आप मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। हो सकता है कि कुछ चीजें मैं रिपीट कर रहा हूँ, ओके, बट दैट इज अ बेनिफिशियल फॉर माई चैनल, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा इसको देखें और नॉलेज को बांटे, ठीक है। एक चीज और बताने की कोशिश कर रहा था कि क्या बोलते हैं, जो भी आप चीज देख रहे हैं, यानी कि जो हमारा चैप्टर चल रहा है फिलहाल, सम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है, सॉरी, ओके, तो इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया गया है, तो आप वहां से भी उसे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। इसके तमाम टॉपिक्स जो भी मींस बोर्ड्स में, प्रीवियस बोर्ड्स में आए हुए क्वेश्चंस, सब कुछ आप डाउनलोड कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स को बता सकते हैं। और आए दिन काफी सारे कमेंट्स आ रहे हैं, सर आपकी वजह से हमारा यूनिवर्सिटी का एग्जाम बहुत अच्छा गया, तो थैंक्स फॉर दिस, ये सब आप ही की वजह से, ठीक है। तो एक छोटी सी हमारी तरफ से भी रिक्वेस्ट है, अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोज लेके आए, नॉलेजफुल वीडियोज लेके आए, तो प्लीज एक लिंक दे दिया गया है, उस पर जाके आप, अगर आप डोनेट करना चाहें इस चैनल को, तो आप डोनेट कर सकते हैं, जो भी आपको ठीक ठाक अमाउंट लगे आप प्लीज डोनेट कीजिएगा, 10-20 जो भी आपको ठीक ठाक लगे, मैं कुछ नहीं बोलूंगा कि आप इतना डोनेट कीजिए। तो चलिए इस टॉपिक को समझते हैं, ठीक है। देखिए मैं एक एक चीज बताऊंगा अपनी नेटिव लैंग्वेज हिंदी में, ठीक है, ताकि आप सब समझ सके। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है, दिस इज द लॉ। देखिए मेन बेसिक चीज है इस इक्वेशन को समझना, और ये लॉ क्या बोलता है हम इसी से समझ जाएंगे बाय प्रैक्टिकल एग्जांपल, ठीक है। दिस लॉ इज गिवन बाय डाल्टन इन 1803, ठीक है। ये लॉ किसके द्वारा दिया गया था, डाल्टन, जॉन डाल्टन के द्वारा 1803 में दिया गया था, ओके। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के मुताबिक इफ टू एलिमेंट्स कैन कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, इसका मतलब क्या है, इस लॉ के मुताबिक अगर कोई भी दो एलिमेंट कंबाइन हो जाते हैं या कंबाइन हो सकते हैं और वो एक से ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं, जैसे समझने के लिए हम देखेंगे, एक एलिमेंट आपका हाइड्रोजन है, दूसरा आपका ऑक्सीजन है, ठीक है। तो पहले रिएक्शन में ये दोनों कंबाइन होके पानी बना रहे हैं, ओके, तो यही दो एलिमेंट वापस कंबाइन होके, ठीक है, आपका ये क्या है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, याद लिख देते हैं यहां पे कि ये वाटर है, ठीक है, और ये है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ज्यादातर ये ब्लीचिंग के तौर पर यूज किया जाता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है, ज्यादातर आपको ब्यूटी पार्लर्स में देखने को मिलेगा, इसके बहुत सारे एप्लीकेशन है वैसे, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड याद रखिएगा, मैंने यहां पे जो लिखा है, ओके। तो हम देख रहे हैं कि दो अलग अलग एलिमेंट अलग अलग रिएक्शन में अलग अलग मोलर रेशियो का यूज करके अलग अलग कंपाउंड बना रहे हैं। एक पहले रिएक्शन में आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों एलिमेंट कंबाइन होके पानी बना रहा है, दूसरे रिएक्शन में देख रहे हैं कि वही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक अलग मोलर रेशियो का यूज करके हाइड्रोजन परऑक्साइड बना रहा है। तो यही लिखा हुआ है कि अगर दो एलिमेंट कंबाइन हो सकते हैं और क्या बनाते हैं, एक से ज्यादा कंपाउंड बना सकते हैं, हो सकता है कि यही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कोई तीसरे रिएक्शन का यूज करके कुछ अलग कंपाउंड बना रहा हो। सपोज अगर आपको मालूम होगा कि अभी फिलहाल मेरे को कोई तीसरा कंपाउंड याद नहीं आ रहा, मतलब जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ है, बट आपकी बुक का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। तो पहला मैं एक वापस रिपीट करूंगा कि कोई भी दो एलिमेंट अगर एक से ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं, तो दो एलिमेंट कौन से, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यहां भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, पहले रिएक्शन में पानी बना रहा है, दूसरे रिएक्शन में H2O2 बना रहा है, ओके। तो उसके बाद पढ़ते हैं क्या बोल रहा है, द मासेस ऑफ वन एलिमेंट, याद रखिएगा यहां पे काफी स्टूडेंट्स को समझने में दिक्कत हो जाती है, वो मास पढ़ते हैं ज्यादातर,
बट यहां पर मेन चीज है मासेस, यानी कि बहुत ज्यादा मासेस है किसके, कोई तो एक एलिमेंट है जो कंबाइन हो रहा है फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट। देखिए दो एलिमेंट कौन से है हमारे, एक हाइड्रोजन है और एक क्या है हमारा, दैट इज योर ऑक्सीजन। वो क्या बोल रहे हैं, जो मासेस हैं बहुत ज्यादा मासेस हैं एक एलिमेंट के, तो वो एक एलिमेंट हाइड मीन्स ऑक्सीजन, कौन है ऑक्सीजन, ठीक है याद रखिएगा। आई होप आपको इससे पहले आपने मेरे कुछ वीडियोस देखे होंगे जिसमें मैंने मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास निकालना बताया हुआ है, ठीक है, मोल क्या होते हैं, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, वो डेफिनेटली देखिएगा। लेट मी चेक एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन। या तो मैं यहां पे बता रहा था कि जो भी मासेस होते हैं कोई भी एक एलिमेंट का, तो ये जो मासेस है किसके मासेस है, वो एलिमेंट कौन है, वो है आपका ऑक्सीजन। तो पहले रिएक्शन में आपका ऑक्सीजन का कुछ मास होगा, दूसरे रिएक्शन में भी ऑक्सीजन का कुछ मास होगा। तो मासेस कौन से, एक तो हो गया ये 16 ग्राम जो मैंने ब्लू कलर से लिखा हुआ है, एक हो गया हमारा 32 ग्राम। बोल रहा है कि जो भी मासेस है एक एलिमेंट के, और ये जो एक एलिमेंट है ऑक्सीजन, ये किसके साथ कंबाइन हो रहा है, किसी के साथ तो कंबाइन हो रहा है। पहले रिएक्शन के हिसाब से हम देखेंगे ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो रहा है, तो ये जो मासेस हैं एक एलिमेंट के, जैसे एग्जांपल 16 ग्राम और 32 ग्राम, ठीक है। अब इंडिविजुअली हर एक रिएक्शन में जो ऑक्सीजन है ये हाइड्रोजन के साथ, इस रिएक्शन में हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट हो रहा है, और इस रिएक्शन में आपका जो ऑक्सीजन है इस हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट हो रहा है। तो वापस बोलूंगा जो भी मासेस हैं हर एक एलिमेंट के, तो याद रखिएगा ये जो एलिमेंट है ये ऑक्सीजन है, और जो मासेस की बात हो रही है ज्यादा मासेस की, वो है 16 ग्राम और 32 ग्राम। तो जो भी मासेस हैं एक एलिमेंट के, अब ये एलिमेंट किसके साथ कंबाइन हो रहा है, कंबाइन विद अ फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट। ये जो मासेस हैं किसके, हर एक एलिमेंट के, जो हर एक रिएक्शन में प्रेजेंट है, वो इस ऑक्सीजन की बात हो रही है, और ये किसके साथ कंबाइन हो रहा है, फिक्स्ड मास के साथ जो दूसरा एलिमेंट है। देखिए इस रिएक्शन में आपका जो ये जो ऑक्सीजन है, ठीक है, इसकी खुद की क्वांटिटी 16 ग्राम है, और ये रिएक्ट हो रहा है हाइड्रोजन 2 ग्राम के साथ। बट यहां पर भी देखिए एक दूसरा रिएक्शन है, यहां पर ऑक्सीजन की क्वांटिटी 32 ग्राम है, और ये एक फिक्स्ड एलिमेंट के साथ कंबाइन हो रहा है जिसकी अगेन क्वांटिटी 2 ग्राम है। तो आप देखिए दोनों रिएक्शन में कौन सा एलिमेंट है जिसकी क्वांटिटी फिक्स्ड है, वो है हमारा हाइड्रोजन। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो इसमें बताया हुआ है कि दो एलिमेंट जब एक से ज्यादा आपके कंपाउंड बनाते हैं, तो उनमें से जो एक एलिमेंट होता है उसके जो भी मासेस होते हैं, तो मासेस मतलब डबल एस, मतलब ईएस लगा हुआ, मतलब एक से ज्यादा मास है। तो बोल रहा है कि यहां पर देखिए कि दोनों रिएक्शन में जो एक एलिमेंट है, ठीक है, उसके जो भी मासेस है, यानी कि 16 ग्राम और 32 ग्राम, जब ये कंबाइन होते हैं, ठीक है, फिक्स्ड एलिमेंट के साथ। अब फिक्स्ड एलिमेंट यहां पर भी वही 2 ग्राम है, यहां पर भी 2 ग्राम है, तो यहां पर देखिए हाइड्रोजन जो गैस है आपकी क्या है, फिक्स्ड क्वांटिटी है, ठीक है। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, तो यही मैंने इसका मतलब समझाया, नहीं तो काफी स्टूडेंट्स को समझने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है, ठीक है। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहता हूं, मैं एक बार रिपीट करता हूं कि ये जो भी ऑक्सीजन के एलिमेंट है आपको जो दिख रहे अलग अलग रिएक्शन में, देखिए ऑक्सीजन का एलिमेंट है ये, आपका हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट हो रहा है, ये भी ऑक्सीजन का जो एलिमेंट है, ठीक है, या फिर आप मॉलिक्यूल बोल लीजिए, ठीक है, ये भी हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट हो रहा है। बट आप देखेंगे दोनों रिएक्शन में जो हाइड्रोजन की क्वांटिटी फिक्स है, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आप वही ऑक्सीजन की क्वांटिटी देखें, एक जगह 16 ग्राम है, दूसरे रिएक्शन में 32 ग्राम है, तो ये दोनों आपस में एक रेशियो में रहने वाली है। द मासेस ऑफ ऑक्सीजन एलिमेंट विल बी इन द रेशियो। बट आपको ये क्या बोलते हैं 100% श्योर करना पड़ेगा कि जिसके साथ ये इंडिविजुअली रिएक्ट हो रहे हैं वो कॉन्स्टेंट होने चाहिए दोनों रिएक्शन। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। मान लीजिए मैं एक थर्ड एग्जाम्पल भी यहां पर लिख देता हूं, हाइड्रोजन वापस आपका रिएक्ट हो रहा है, सपोज मैं यहां पे 3 कर देता हूं, कुछ और एक्स कंपाउंड बना रहा है, ठीक है, ओके। तो यहां पर जो क्या हाइड्रोजन यूज कर रहा हूं वो भी इस रिएक्शन में भी 2 ग्राम ही यूज करूंगा, क्योंकि मेरे को एक फिक्स्ड जो मास लेना है फिक्स्ड एलिमेंट का वो कॉन्स्टेंट होना चाहिए। तो यहां पर भी 2 ग्राम, यहां भी 2 ग्राम, यहां भी 2 ग्राम, और यहां पर मैं 64 ग्राम ऑक्सीजन कर देता हूं, ठीक है। तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा था, तो जो भी आपका एलिमेंट है उसके जो भी मासेस होंगे कौन से ऑक्सीजन के, वो हमेशा एक होल नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब वो हमेशा एक रेशियो में रहेंगे जो होल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे यहां पर देख लीजिए, मतलब ये हो जाएगा 16:32, ओके, ठीक है। तो आप देखिए ये एक होल नंबर का मतलब ये जो नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है ये आपस में एक रेशियो में और होल नंबर में, ठीक है। तो 16:16, 16:32, यानी कि जो रेशियो हो गया 1:2। सपोज मैंने ये 3 रिएक्शन भी लिखे होते तो ये मेरा रेशियो ऐसा हो जाता 16:32:64। तो आप देख सकते हैं 16:16, 16:32,
एंड 16 3 जा 64 आई थिंक कितना होता है ये देख लूँ जरा, 16 3 जा करके देखता हूँ, 6 3 जा 18 3 जा 3 48। तो एक काम कीजिए 64 मत लिखिए, 48 लिख लीजिए, वो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो 48 ग्राम ऑक्सीजन मैंने लिया तो ये हो जाएगा हमारा 48, तो 16 3 जा तो 1:2:3। तो ये देखिए ऑक्सीजन का जो रेशियो है ये रिप्रेजेंट करता है एक सिंपल होल नंबर के रेशियो को, मतलब जो भी ऑक्सीजन के एलिमेंट होंगे उनका जो भी मासेस होगा वो एक रेशियो में रहेगा। बट आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि जो हाइड्रोजन है उसकी क्वांटिटी फिक्स होनी चाहिए जो भी आपके इंडिविजुअली ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो रही है। तो आई होप आपको इस एग्जांपल से समझ में आ गया होगा कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कहता है। तो सिंपली एक बार मैं वापस रिपीट कर देता हूं, सिंपल ठीक है। इस लॉ के मुताबिक ये दिया गया था डाल्टन 1803 में, इस लॉ के मुताबिक दो एलिमेंट ठीक है, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, फिलहाल तो यहाँ पे दो ही दिया गया है, नहीं टू एलिमेंट्स है ठीक है, दो से ज्यादा नहीं है। वैसे कुछ रिएक्शंस होते हैं जिसमें तीन भी मॉलिक्यूलैरिटी होती है ठीक है, यानी कि तीन क्या बोलते हैं एलिमेंट भी रिएक्ट हो रहे हैं या फिर मॉलिक्यूल्स रिएक्ट हो रहे हैं। तो कोई भी दो एलिमेंट जब एक से ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं तो कोई तो एक एलिमेंट होगा जो ऑक्सीजन है आपका ठीक है, जिसके मासेस, मैं डायरेक्ट पहले बोल देता हूं, जिसके मासेस एक सिंपल रेशियो में रहने वाले हैं ठीक है। फिलहाल तो हमने कंसिडर किया था यानी कि सिर्फ दो ही रिएक्शन दिए गए, बट मैंने यहाँ पे तीसरा भी रिएक्शन देके आया है, लेके आया हुआ ठीक है। ओके, अब इसमें आप ऑक्सीजन के मासेस देखिए, वो मासेस ऑटोमेटिकली एक रेशियो में आ जाएंगे, बट आपको ये इंश्योर करना है कि हाइड्रोजन जो है उसकी क्वांटिटी फिक्स होनी चाहिए। यहां भी देखिए, यहां भी देखिए, और मैंने एक अपना खुद से भी बना दिया है, तो यहां पर भी 2 ग्राम रखा है, यहां भी 2 ग्राम रखा है, यहां भी 2 ग्राम रखा है, बट यहां पर ऑक्सीजन 16 ग्राम है, 32 ग्राम है, 48 ग्राम है। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी ठीक है। हाँ एक चीज मैं यहाँ पे जरूर बताने की कोशिश करूंगा कि ये 2 ग्राम कैसे आया, ये 16 ग्राम कैसे आया, ये 2 ग्राम कैसे आया, ये 32 ग्राम कैसे आया, ये सोचने की बात है ठीक है। ये आता है आपके एक फॉर्मूले से, मैं यहां पे लिख देता हूं, मोल्स इक्वल टू ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। हो गया क्लियर? अगर आपको ग्राम चाहिए तो आप क्या करेंगे, सिंपली इसको यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो मोल्स इक्वल टू, नहीं मोल्स इंटू मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास लिख दीजिए इक्वल टू ग्राम। तो आपको पहले मोल्स मालूम होना चाहिए, और जो भी आपने मॉलिक्यूल लिया है या फिर क्या बोलते हैं एलिमेंट लिया है या फिर बोल सकते हैं कंपाउंड लिया है उसका मॉलिक्यूलर वेट आपको मालूम होना चाहिए, मॉलिक्यूलर मास मालूम होना चाहिए। हो गया क्लियर? ओके, तो आप मैं किसी का भी एक का निकालता हूं, मान लीजिए मुझे पानी का निकालना है या फिर H2O2 का निकालना है ठीक है। तो सबसे पहले क्या करूंगा, अगर इसके सामने कोई नंबर नहीं है तो 1 है, और 1 ही इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है, यानी कि 1 मोल आपका हाइड्रोजन परऑक्साइड फॉर्म हो रहा है। अब मेरे को 34 ग्राम पता करना है कि आया कैसे होगा ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है हमारा, ग्राम इज इक्वल टू मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर वेट, तो मोल कितना है 1 है ठीक है। इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 34, तो 1 × 34 आएगा आपका कितना 34 ग्राम ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट तो मेरा एक सेपरेट वीडियो होगा जहां पे मैं मॉलिक्यूलर मास के बारे में बात कर रहा हूँ। तो आई होप आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर आप ऐसी एजुकेशन वीडियोस आप चाहते हैं तो प्लीज डू रेट कमेंट, मैं पूरी कोशिश करूंगा टाइमिंगली वीडियोस लेकर आने की। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद, थैंक यू।